नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका हमारे YouTube चैनल माई सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके पूछे जाने की काफी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर नामक जिले में ये बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो आदिवासी लोग हैं उनका आर्थिक डेवलपमेंट, उनका आर्थिक विकास हो सके ट्राइबल्स का, इसीलिए ये बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम जो है वो माता व उसके होने वाले शिशु की सही देखभाल से संबंधित है। शिशु गृह में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें काफी बढ़ोतरी की गई है और अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके माता व होने वाले शिशु को, इसीलिए ये लक्ष्य कार्यक्रम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। स्टीफन हॉकिंस का निधन कब हुआ? स्टीफन हॉकिंस का निधन 13 मार्च 2018 को हुआ है। ये बहुत ही जाने माने खगोलविद हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रह चुके हैं रिसर्च के। इनकी मृत्यु 13 मार्च 2018 को हुई। जिस समय मृत्यु हुई उस समय भी ये डायरेक्टर रिसर्च थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरियां इन्होंने दी हैं और बहुत नाम है इनका खगोल शास्त्र में, स्टीफन हॉकिंस। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका नामक शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी बंदरगाहें हैं। एक समय था जब इसे नेशंस किचन, राष्ट्र का रसोई घर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर चावल का व्यापार होता था। ये चावल के व्यापार का मुख्य केंद्र था ओसाका, इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है? मोरक्को। मोरक्को ये एक अफ्रीकन कंट्री है, मोरक्को की एटलस पहाड़ी पर। मोरक्को की एटलस पहाड़ी पर संसार का सबसे बड़ा सोलर फार्म हाल ही में खोला गया है। यहां पर ये इसकी लागत लगभग $9 बिलियन है। 2020 तक ये लगभग 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहां पर मोरक्को में मरुस्थल में लगभग वर्ष में 36,000 घंटे तक सनलाइट रहती है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये सबसे बड़ा सोलर फार्म मोरक्को में एटलस पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। प्राइड ऑफ बर्मिंगम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हैरी अटवाल। हैरी अटवाल को यह पुरस्कार दिया जाएगा प्राइड ऑफ बर्मिंगम। इसका कारण है कि इन्होंने टेररिस्ट अटैक में एक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड, बहुत ही ज्यादा जख्मी बच्चे की जान बचाई थी, उसकी सहायता की थी, इसलिए हैरी अटवाल को प्राइड ऑफ बर्मिंगम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू की गई है? ऑस्ट्रेलिया। माइक्रो फैक्ट्री तो बहुत है लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये ई वेस्ट पर काम करेगी, इसलिए इसे ई माइक्रो फैक्ट्री भी कहा गया है। ई वेस्ट जैसे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स या और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो प्रयोग में हो रहे हैं और अंत में कूड़ा बन जाते हैं, ई वेस्ट बन जाते हैं, उसका सही तरीके से उसको रिसाइकिल किया जा सके, इसीलिए ये ई माइक्रो फैक्ट्री स्थापित की गई है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की पहली ई माइक्रो फैक्ट्री है जिसमें ई वेस्ट का रिसाइकिलिंग, ई वेस्ट की रिसाइकिलिंग होगी और इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। ई वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है ऑस्ट्रेलिया में। मिथिला चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार। मिथिला चित्रकला ये क्या है? मिथिला चित्रकला भारत और नेपाल में पाई जाने वाली एक आर्ट है। इसमें पेंटिंग की जाती है उंगलियों से, ब्रशेज से, पेन की निब से और लकड़ियों से। इनके साथ साथ नेचुरल कलर्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये आर्ट है मिथिला आर्ट, ये भारत और
नेपाल में पाई जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। विनोद खन्ना जी की मृत्यु अप्रैल 2017 में हो गई थी। अब 2018 में उन्हें ये मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स माय सक्सेस पॉइंट चैनल की तरफ से इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि और भी अन्य साथी भी जो हैं वो इन वीडियोज से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए एक बार इसका क्विक रिवीजन लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद खन्ना मरणोपरांत उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मिथिला चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार। भारत और नेपाल में ये चित्रकला पाई जाती है और भारत के बिहार राज्य से इसका संबंध है। विश्व की पहली ई माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू की गई है? ऑस्ट्रेलिया में, ताकि ई वेस्ट का निपटारा अच्छे तरीके से हो सके, उसका रिसाइकलिंग अच्छे तरीके से हो सके। प्राइड ऑफ बर्मिंगम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हैरियट वाल। हैरियट वाल ने टेररिस्ट अटैक के दौरान एक बच्चे की, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड बच्चे की सहायता की थी और उसकी जान बचाई थी, इसलिए इन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंगम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोरक्को की एटलस पहाड़ी पर, जिसका 2020 तक पावर प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है वो 2000 मेगावाट है। इसमें लगभग $9 बिलियन की लागत से ये फार्म बनाया गया है। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये एक पोर्ट सिटी है। इसे नेशंस किचन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मुख्य केंद्र था चावल के व्यापार के लिए। स्टीफन हॉकिंस का निधन कब हुआ? 13 मार्च 2018 को इंग्लैंड में। इनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था और अंतिम सांस भी इन्होंने इंग्लैंड में ली। ये डायरेक्टर थे, डायरेक्टर रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये डायरेक्टर रिसर्च के पद पर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ये एक जाने माने खगोलविद वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण थ्योरीज दी हैं खगोल शास्त्र में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम ये माता व होने वाले शिशु की सही देखभाल के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसमें होने वाले शिशु और माता को सभी सुविधाएं, लेबर रूम में ही सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए इस ताकि मोर्टेलिटी रेट जो है वो शिशु का वो कम किया जा सके, मृत्यु दर को कम किया जा सके, इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में ये पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र हाल ही में स्थापित किया गया है। और क्यों स्थापित किया गया है? ताकि जो आदिवासी लोग हैं उनका आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए ये स्थापित किया गया है बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र। तो दोस्तों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए जुड़ते रहिए हमसे। यदि आपको किसी खास विषय पर कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।